हेलो फ्रेंड, कैसे हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ रेडमी 12 5G और दूसरी तरफ मोटो G54 5G। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन के लेने का मन बना रहे हो, कन्फ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा, तो आज के इस कंपेरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक तरफ Redmi 12 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ Moto G54 5G में MediaTek का Dimensity 7020 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंतिम स्कोर की बात करी जाए, तो उसमें तो आगे निकल जाता है Redmi का 12 5G, क्योंकि Redmi 12 5G का जो अंतिम स्कोर निकल के आता है 435,000 निकल के आता है, वहीं दूसरी तरफ Moto G54 5G का जो अंतिम स्कोर निकल के आता है 385,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो, तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के अंतिम स्कोर के हिसाब से तो क्लियर विनर निकल के आता है Redmi 12 5G, पर इन दोनों स्मार्टफोन को जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो बिल्कुल ही अपोजिट देखने को मिल जाता है। क्योंकि जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया, तो एक Redmi 12 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2200 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ Moto G54 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3600 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, अंततः स्कोर के हिसाब से तो आगे निकल जाता है Redmi 12 5G, पर रियल लाइफ के गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो काफी ज्यादा बेस्ट रह जाता है Moto का G54 5G। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए, तो एक तरफ Redmi 12 5G 6.79 इंच की बिग साइज की फुल HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए सिर्फ 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Moto G54 5G 6.5 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए या फिर गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए, तो दोनों स्मार्टफोन एक जैसा मेगापिक्सल वाला सेमी एपर्चर का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है। फिर भी कैमरे के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है Moto का G54 5G, क्योंकि 15,000 से कम के प्राइस में Moto G54 5G के कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Redmi 12 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए, तो सेल्फी के मामले में भी क्लियर विनर निकल के आता है Moto का G54 5G, क्योंकि Moto G54 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Redmi 12 5G में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है, जो कि Redmi 12 5G का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है इसका सेल्फी कैमरा। दोनों स्मार्टफोन का अगर ऑडियो फीचर की बात करी जाए, तो Moto G54 5G में Dolby Atmos देखने को मिल जाता है, जबकि Redmi 12 5G में Dolby Atmos देखने को नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए, तो Moto के G54 5G में 6000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 30W के टर्बोफास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Redmi 12 5G में 5000mAh की ही बैटरी देखने को मिल जाती है, सिर्फ 18W के ही फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करिए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। Redmi 12 5G का प्राइस 500 रुपीज ज्यादा, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में Moto G54 5G से पीछे रह जाता है। डिस्प्ले में आप लोगों को कम रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कैमरा वाइज अगर देखा जाए, तो Redmi का 12 5G Moto G54 5G से काफी पीछे रह जाता है। बैटरी वाइज अगर बात करी जाए, तो Redmi 12 5G में कम बैटरी बैकअप के साथ साथ कम फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को लेने का मन बना रहे हो, कन्फ्यूज कि कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 500 रुपीज कम खर्च करके Moto G54 5G को ही बाय करें।